चीजों को ध्यान में रखें जो आपसे रिलेवेंट हैं। जैसे ही आप लॉगिन होंगे आपको आपकी डोमेन नेम नजर आएगा यहाँ पे। फॉर एग्जांपल आपने अगर जैसे मैंने ये परचेज किया था eatpakistanifood.com, तो आपको इस तरह से डोमेन नेम नजर आएगा। ये आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, वीडियो आपको मिल जाएगी इसकी सेम एज इट इज़ जो आपकी क्लास में बोल रहा हूँ, वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, जैसे ही आप अपने डोमेन नेम पे क्लिक करेंगे एक और एडमिन पैनल ओपन हो जाएगा आपके सामने। ऊपर आपकी डोमेन होगी, नीचे आप यहाँ पे आपका डिस्क यूजेज और बैंडविड्थ वगैरह आ रही होगी। इसको छोड़ दें, क्या चीज़ है ये मैं समझा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, डिस्क स्पेस क्या होती है, हार्ड डिस्क स्पेस, क्या आपको उस सर्वर पे कितनी स्पेस अलॉट हुई है, वो आपको 1 GB मिलेगी इनिशियली। बैंडविड्थ समझ लें ये होती है कि आपकी वो डाउनलोडिंग अपलोडिंग की होती है स्पेस, वो आपको अच्छी मिलती है। ठीक है, वो आपको आपको ज़रूरत नहीं है उसको चेंज करने की या देखने की। अच्छा, नीचे आएंगे तो आपके बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही होगी, आपको इसमें किसी चीज़ को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, साइट पे आपको नज़र आ रहा होगा सी पैनल, लॉग इन टू सी पैनल। आप लॉग इन टू सी पैनल का बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने आपका सी पैनल आ जाएगा। ये बेसिकली वेबसाइट का या सर्वर का सारा कंट्रोल सेंटर होता है, जहाँ पे आपकी डोमेन के बारे में इंफॉर्मेशन सारी, जैसे आपकी डोमेन नेम, आपका आईपी एड्रेस और सारी डिटेल नज़र आ रही होती हैं आपको, जिसमें आपकी एसक्यूएल डेटाबेसिस, मेमोरी यूसेज, एंट्री प्रोसेस और हर वो इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए ज़रूरी है वो यहाँ पे शो हो रही होती है आपको। ठीक है, यहाँ पे आपको किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, आपने बॉटम पे आना है। बॉटम पे आएंगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे वर्डप्रेस। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे वर्डप्रेस पे। मैं पहले डिलीट कर दूं वर्डप्रेस जो इंस्टॉल किया मैंने, फिर हम इसको स्क्रैच से सेटअप करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आएंगे तो आपके पास आपके बटन आ रहा होगा इंस्टॉल नाउ का। ठीक है, आप इंस्टॉल नाउ का बटन प्रेस करेंगे, आपके सामने कंप्लीट एक पेज आ जाएगा जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन पुट करनी पड़ेगी कुछ, जैसा कि आपको वर्जन सेलेक्ट करना कि आप कौन सा वर्जन इंस्टॉल करना चाहते हैं वर्डप्रेस का, तो आपने ये चेंज नहीं करना, लेटेस्ट ही करना होता है हमें। बॉटम पे आएंगे तो आपके पास HTTPS या HTTP आ रहा होगा और साथ आपके पास वेबसाइट का एड्रेस आ रहा होगा जो आपने डोमेन बाय की है। अगर आप मल्टीपल डोमेन्स पे काम करते हैं, मल्टीपल डोमेन्स पे आप वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ आपके पास मल्टीपल डोमेन्स आपकी लिस्ट डाउन होंगी। ठीक है, थोड़ा आगे देखेंगे आपके पास डायरेक्टरी नज़र आ रही होगी। डायरेक्टरी बेसिकली वो फोल्डर होता है जिसमें आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल होता है। ठीक है, चलें मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ कि आपने अगर डेस्कटॉप पे कोई चीज़ रखी हो तो उसका एड्रेस नॉर्मली होता है सी और आगे आपका यूजर यूजर होता है स्लैश डेस्कटॉप स्लैश। अगर आपने कोई चीज फोल्डर में रखी हो तो उस फोल्डर का नाम आ रहा होता है। ठीक है, फोल्डर का नाम आपने रखा हुआ है ABC। आपने कोई फाइल ओपन की है, आपने इमेज ओपन किया हुआ है तो आपके पास आ रहा होता है इमेज डॉट JPEG। ये पूरा एड्रेस एक होता है आपके एक फाइल का। सेम इसी तरह आपका वर्डप्रेस जहाँ पे इंस्टॉल होता है उसका भी एक एड्रेस होता है, इस फोल्डर का भी, उसको आप डायरेक्टरी कहते हो। आपने वर्डप्रेस हमेशा इंस्टॉल करना है रूट डायरेक्टरी में। रूट डायरेक्टरी मीन्स के फोल्डर्स की तह में उसको नहीं भेजना। अगर आप फोल्डर की तह में उसको भेज देंगे तो यूजर को आपकी वेबसाइट एक्सेस करने के लिए उस फोल्डर का एड्रेस भी देना पड़ेगा। जिस तरह से वो वेबसाइट क्या लिखा हुआ वहाँ पे पाकिस्तानी फूड डॉट कॉम स्लैश WP। अगर मैं स्लैश WP लिखूंगा तब वेबसाइट ओपन होगी, अदरवाइज वेबसाइट ओपन नहीं होगी। तो मुझे इसका मतलब है कि इस WP को हटाना है तब मेरी वेबसाइट रूट डायरेक्टरी में आएगी, तब मेरी वेबसाइट सही जगह इंस्टॉल होगी और सही URL के थ्रू एक्सेस हो सकेगी। क्लियर, समझ आ गई डायरेक्टरी की बात आप लोगों को? ये ज़रूर ज़हन में रखना है कि डायरेक्टरी क्या चीज़ होती है। तो मैंने ये डायरेक्टरी को ख़त्म किया,
ताकि मेरी वेबसाइट का एड्रेस सेम यही रहे, https eatpakistanifood.com। ये www वाला जो है ना वो हम बाद में ऐड कर सकते हैं, वो आपको ज़रूरत नहीं है इस जगह पे ऐड करने की। माई साइट नेम आप अभी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है आपको, डिस्क्रिप्शन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, यूज़र नेम पासवर्ड ज़रा अच्छा रखें, हैवी। ठीक है, उसके बाद आपका जो एडमिन ईमेल है, एडमिन ईमेल आपने ये नहीं रखना, ये चीज़ जहन में रखिएगा, आप लोग सारे मिस्टेक करोगे। यहाँ पे आप ईमेल आईडी यही रखोगे और फिर कहोगे हमारा ईमेल आईडी हम भूल गए हैं, पासवर्ड पासवर्ड रीसेट नहीं हो रहा, क्योंकि पासवर्ड रीसेट करने के लिए आपको ईमेल इस ईमेल आईडी पे जाएगा, ना कि दूसरे ईमेल आईडी पे। तो मेक श्योर करें एडमिन ईमेल आईडी ज़रूर चेंज करें और वो वाला ईमेल आईडी रखें जो आप यूज़ करते हैं रेगुलर। ठीक है, लैंग्वेज चेंज नहीं करनी है आपने। लिमिट लॉगिन अटेम्प्ट्स अगर आप करना चाहते हैं इसको आप कर सकते हैं, ये बेसिकली प्लगइन ही है एक, ये आपके लॉगिन्स को लिमिट कर देगा, अगर आप 3 बार आप गलत पासवर्ड एंटर करेंगे तो आपको टेम्परेरीली ब्लॉक कर देगा वो। ठीक है, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से आप रखते हो, इसको भी ज़रूरत नहीं है करने की भी आपको। क्लासिक एडिटर मैंने आपको बताया था कि वर्डप्रेस का क्लासिक एडिटर आपको बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है व्हेन इट कम्स टू एडिटिंग, ये भी आप इस लेवल पे इसको ना चेक करें कुछ भी, ये तीनों ऑप्शन अनचेक रहने दें। एडवांस ऑप्शन पे आपने नहीं जाना, अगर आप मल्टीपल वेबसाइट्स मैनेज करते हैं फिर आप एडवांस ऑप्शन में जाएं, अपने डेटाबेस का नाम वो रखें जो कि वेबसाइट के नेम से रिलेट करता है। अब वेबसाइट और डेटाबेस में डिफरेंस क्या होता है किसी को पता है? नहीं पता, चलें। आप सारे लोग कोई ना कोई फॉर्म फिल करते हो वेबसाइट पे जाकर, फॉर्म फ्रंट एंड पे फिल कर रहे होते हो, जैसे ही सबमिट का बटन प्रेस करते हो फॉर्म रीसेट हो जाता है, गायब हो जाता है, योर रिस्पॉन्स हैज बीन सबमिटेड आ जाता है। अब वो सबमिट होकर जहाँ सेव होता है उसको डेटाबेस कहते हैं। ठीक है, तो डेटाबेस का नाम अगर आप यूनिक रखना चाहो तो यूनिक रख सकते हो, लेकिन फिलहाल आप ना करें इसको तो कोई इशू नहीं है, एडवांस ऑप्शंस को चेक ना करें कोई मसला नहीं है। नीचे आएंगे आपको थीम सेलेक्ट करने का ऑप्शन देगा, थीम भी हमें सेलेक्ट नहीं करना अभी, कोई भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप ईमेल इंस्टॉलेशन डिटेल्स टू ईमेल आईडी, यहाँ पे आप जो ईमेल आईडी एंटर करेंगे आपको लॉगिन डिटेल्स उस ईमेल आईडी पे ईमेल भी हो जाएंगी। ठीक है, इंस्टॉल का बटन प्रेस करें, जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा और आपको 2 URL मिलेंगे। इस URL से आप लोगों की जान पहचान है थोड़ी सी, ये चीज़ wp-admin वाली है या नहीं है, जान पहचान है इससे नहीं है, कितने लोग ऐसे नहीं है। जब वर्डप्रेस हमने करवाया था आपको एडमिन पैनल अपना एक्सेस करने के लिए यही URL एंटर करना पड़ता था। ठीक है, तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वही एडमिन पैनल आ जाएगा जो हमारे पास वहां पे आता है, आपको यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करना पड़ता था। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी लॉग इन है तो मैंने लॉग इन हो गया है, अदरवाइज आपके सामने यूजर नेम और पासवर्ड का आता। अब देखें इसका इंटरफेस सारे का सारा सेम वही है जो हमारा पहले वाला इंटरफेस था, सेम वही चीज है। अब इसमें और उसमें डिफरेंस कहाँ पे जाके आता है, सिर्फ 2 चीजों 3 चीजों में। पहली चीज ये, इस पे आप अपनी मर्जी का थीम अपलोड कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप अपनी मर्जी का प्लगइन अपलोड कर सकते हैं और इसके URL की सेटिंग कर सकते हैं। देखें आपके पास वहाँ परमा लिंक्स का ऑप्शन नहीं मौजूद नहीं था, ये 3 चीज़ें जो कि आप इस वर्डप्रेस को फ्री वाले वर्डप्रेस से अलग करती हैं। देखें जब आप वहाँ पर जाते थे तो आपके पास ऐड न्यू का ऑप्शन नहीं आता था, ये डिसेबल्ड होता था क्योंकि फ्री वेबसाइट हमें अलाउ नहीं करती कोई भी थीम या कोई भी सेटिंग्स को अपलोड करना। क्लियर, प्लगइन्स पे आते हैं तो अपलोड प्लगइन का बटन वहाँ पे डीएक्टिवेटेड था, आपको प्लगइन भी इंस्टॉल नहीं कर सकते थे। थर्ड थिंग इज वहाँ पे ये ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे आपके पास, ये आप चेंज नहीं कर सकते थे। मैंने आपको बताया कि ये डिफरेंट URL स्ट्रक्चर्स हैं, हम इसको डिस्कस करेंगे 1 by 1। यहाँ तक किसी को कोई इशू है तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है।